नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यन सिंह और आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। मित्रों, अभी तक जितने भी वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, उन वीडियो के अंतर्गत क्या क्या है, सेल थ्योरी के बारे में बताया है, एन ओवरव्यू ऑफ द सेल के बारे में बताया है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेल इन्वॉल्व एंड मॉडिफिकेशन के बारे में हमने बता दिया। तो मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर होगा। इसमें हम कोई अन्य टॉपिक डिस्कस करने वाले नहीं है, कि कहीं अन्य से जानकारी नहीं है। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर ही बेस्ड टॉपिक है, जो कि आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, होता क्या है, जैसे राइबोसोम, आपको मालूम कि राइबोसोम जो होता है ये 70S और 80S दोनों प्रकार के होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि इनका जो आकार होता है वो 15 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर होता है। यानी कि ये कैसे होते हैं, नैनोमीटर आप जानते हैं, एक मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, 10^-9 होंगे, और एक माइक्रोमीटर में कितने होते हैं, एक माइक्रोमीटर में 10^-6 मीटर होते हैं। तो राइबोसोम कहने का मतलब ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। राइबोसोम कहने का मतलब ये 15-20 नैनोमीटर के आकार के होते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक जानकारी है। राइबोसोम की हम बात करते हैं तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात ये कि राइबोसोम के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी मेम्ब्रेन लेस अगर ऑर्गेनाइल्स पूछा जाए तो कौन होता है, वो राइबोसोम होता है। ठीक है ना, तो राइबोसोम क्या होता है, इन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इनके साइज हमने आपको साइज बता दिया, 15 से 20 नैनोमीटर होता है। अब हम बात करते हैं कि राइबोसोम जनरली किस में हेल्प करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो राइबोसोम क्या कराते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही नीट में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम क्या होता है। तो इस आज के वीडियो लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम क्या होता है। तो सेवरल राइबोसोम आर अटैच्ड इन द सिंगल mRNA फॉर्म ए चैन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। ठीक है, जो क्या होता है, सेवरल राइबोसोम जो होते हैं वो मैनी राइबोसोम होते हैं, किस पे अटैच हो जाते हैं, एक mRNA पर अटैच हो जाते हैं और ये चैन बना देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो याद रखिएगा, सेवरल राइबोसोम में अटैच्ड इन सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चैन, तो क्या कहेंगे उसको, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है, क्लियर है पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम के आगे हम बात करते हैं कि राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम, ठीक है, जो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। ठीक है, तो mRNA से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब ये होता है, राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है ना, राइबोसोम ऑफ पॉलीराइबोसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन, ये एनसीईआरटी की लाइन है। चलिए अब हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडी का क्या होता है। ठीक है, रिजर्व, तो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी। तो रिजर्व मटेरियल, ठीक है ना, रिजर्व मटेरियल इनटू द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। ठीक ना, रिजर्व मटेरियल जो होता है वो आर स्टोर होता है इन साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडी। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है, इंक्लूजन बॉडी के रूप में स्टोर होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंक्लूजन बॉडी में कोई कवरिंग नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती और इंक्लूजन बॉडी में भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है ना, और सेंट्रियोल जो होता है, जो सेल डिवीजन करता है, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये तो थी एनसीईआरटी की लाइन। चलिए अब हम आगे देखते हैं, देयर आर नॉट बाउंडेड एनी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, कोई भी मेम्ब्रेनस सिस्टम कोई नहीं होता है इनमें। ये कह देते हैं लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में फ्री लाइन करते हैं, कौन, इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में फ्री लाइन करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसमें होता क्या क्या है, इसमें क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्री लाइन करेंगे और क्या होगा, फास्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं,
और फास्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइनोफेसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, और साथ ही साथ में इसमें क्या होंगे, फास्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए, साइनोफेसिन ग्रेन्यूल्स हो गए और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए। याद करिएगा कौन कौन से ग्रेन्यूल्स होंगे, सबसे पहले फास्फेट ग्रेन्यूल्स, फिर इसके बाद साइनोफेसिन ग्रेन्यूल्स और इसके बाद ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। फास्फेट ग्रेन्यूल्स और साइनोफेसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, साइनोफेसिन ग्रेन्यूल्स और फास्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। फास्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफेसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स इसमें होते हैं। अब फिर आगे एनसीईआरटी में दिया गया है कि गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एल्गी, जो फिर इसमें गैस वैक्यूल वैक्यूल गैस वैक्यूल वैक्यूल गैस वैक्यूल के बारे में बताया गया कि गैस वैक्यूल वैक्यूल्स जो होती हैं वो फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी में होंगी, और ये इसके बाद जो होंगी किस में होंगी, ये जो पर्पल बैक्टीरिया में होंगी, पर्पल बैक्टीरिया में होंगी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होंगी। तो गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन, पर्पल और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, किस में होंगी, ब्लू ग्रीन और पर्पल और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या पाई जाएंगी, गैस वैक्यूल पाई जाएंगी। कहाँ कहाँ होंगी गैस वैक्यूल, याद रखिएगा ग्रीन ग्रीन एल्गी में, ठीक है ना, ग्रीन बैक्टीरिया में, किस में होंगी, ग्रीन बैक्टीरिया में, और इसके बाद ये फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ठीक है। तो कहाँ कहाँ होंगी ये, ग्रीन पर्पल और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।